हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीएनसी मैकेनिकल सॉल्यूशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लिस्ट काउंट, जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिस्ट काउंट होते हैं, आज की इस वीडियो में पूरा हम उसके बारे में जानेंगे और बड़ी ही बारीकी से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जब भी कहीं पे इंटरव्यू पे जाना हो तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ आप एक बार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बराबर मिलती रहे। और हाँ, हमें सोशल साइट्स पर भी जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी हम जो नॉलेज है वो लगातार देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। तो फ्रेंड्स, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हम इस वीडियो की, जिसमें कि हम जानेंगे लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए दोस्तों, आइए बात करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन की। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है स्टील रूल के बारे में, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल, की जो हमारा स्टील रूल होता है उसका लिस्ट काउंट क्या होता है। दोस्तों, लिस्ट काउंट मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट काउंट को हम हिंदी में बोलते हैं अल्पंतक माप, यानी किसी भी जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कम से कम उसकी मापने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, उसका लिस्ट काउंट। तो दोस्तों देखिए, ये होता है हमारा 0.5 mm, या हम इसको क्या बोलेंगे, 0.5 mm में हमारे कितने माइक्रोन्स होते हैं, 500 माइक्रोन। यानी हम अगर स्टील रूल से कोई भी चीज़ को अगर हम मेजर करेंगे तो उसे हम कम से कम 500 माइक्रोन तक ही मेजर कर सकते हैं, उससे कम हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टील रूल होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट क्या होता है। तो दोस्तों, उसका लिस्ट काउंट होता है हमारा 0.02 mm और 20 माइक्रोन, यानी 0.02 mm को हम क्या बोलते हैं, 20 माइक्रोन। अगर हम इंचेस में बात करेंगे इसकी, तो इंचेस में हमारा इसका होता है 0.001 inches। तो दोस्तों, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ डायल वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों, डायल वर्नियर कैलिपर का हमारा लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm और 10 माइक्रोन, यानी अगर हम इंचेस में इसकी बात करेंगे तो इसके इंचेस में इसका होता है 0.001 inches। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डायल वर्नियर कैलिपर होता है, इसके अंदर हमारा एक घड़ी की तरह डायल लगा होता है, उसके ऊपर ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इसका लिस्ट काउंट भी यहाँ पर लिखा रहता है। ये दोस्तों डायल, इसमें हमारे अलग अलग तरह के डायल्स भी लगे हो सकते हैं। दोस्तों, जितने भी हमारे ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करके देखेंगे तो मैंने सारे जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं लगभग सभी के ऊपर मैंने उस पर वीडियोज़ बनाई हुई है। आप उन वीडियोज़ को देख के अपनी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूरी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों हमारा, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर। दोस्तों, हमारा वर्नियर कैलिपर हमारे कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कि हमारा एक प्रकार है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। ज़्यादातर हम इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग डिजिटल वर्नियर कैलिपर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे किसी भी चीज़ को मेजर करना, किसी भी रीडिंग को पढ़ना बहुत ही आसान होता है, और इसको जो हमारे अकुशल कारीगर होते हैं वो भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका लिस्ट काउंट होता है हमारा 0.01 mm, यानी 10 माइक्रोन। अगर हम इसकी इंचेस में बात करेंगे, इस इंचेस में इसको हम यहीं से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें हमारे बटन्स दिए होते हैं। इंचेस में अगर हम बात करेंगे तो 0.001 inches। उसके बाद देखिए दोस्तों, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का हमारा लिस्ट काउंट कितना होता है, माइक्रोमीटर का हमारा लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, या इसको हम क्या बोलेंगे, 10 माइक्रोन। अगर हम इंचेस में इसकी बात करेंगे तो 0.001 inches। अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर लिस्ट काउंट जानना है तो देखिए आप किसी भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उसकी मेजरिंग रेंज, यानी वो कहां से कहां तक किसी चीज़ को मेजर कर सकता है, और उसका लिस्ट काउंट भी यहां पर मेंशन दिया, यहां पर करा होता है, और जिस कंपनी ने उसको बनाया है वो भी यहां पर लिखा रहता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। देखिए दोस्तों, उससे पहले हमारा माइक्रोमीटर था, ये हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। दोनों में फर्क क्या होता है दोस्तों, दोनों में फर्क ये होता है कि इसमें हमारी वर्नियर स्केल्स यहाँ पे जुड़ गई होती हैं, इससे हम और भी बारीकी से किसी भी चीज को माप सकते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट होता है हमारा 0.001 mm, यानी 1 माइक्रोन की शुद्धता से हम किसी भी चीज को इससे मेजर कर सकते हैं। अगर इंचेस में बात करेंगे तो 0.0001 inches।
और हमारा जो हमारा सिंपल माइक्रोमीटर होता है उसका हमारा लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन। उसके बाद देखिए दोस्तों व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ डिजिटल माइक्रोमीटर। अगर हम डिजिटल माइक्रोमीटर की बात करेंगे तो इसका हमारा लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm यानी 1 माइक्रोन। अगर हम इंचेस में इसकी बात करेंगे दोस्तों तो 0.0001 इंचेस इसका लिस्ट काउंट होता है। देखिए इसका लिस्ट काउंट हमारा यहाँ पे और कंपनी का मेड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हमारा मिटुटोयो कंपनी है जो कि हमारी जापान की बहुत ही अच्छी कंपनी है जिस जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। उसके बाद व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है दोस्तों हमारा 0.01 mm और 10 माइक्रोन। अगर इंचेस में हम बात करेंगे तो कितना 0.001 इंचेस। उसके बाद देखिए दोस्तों व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर का हमारा लिस्ट काउंट होता है, इससे हम किसी भी जो हमारा पीस होता है उसके हम अंदरूनी व्यास को माप सकते हैं। इसका हमारा लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन। अगर इंचेस में हम इसकी बात करेंगे दोस्तों तो 0.001 इंचेस। उसके बाद व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ हाइट गेज। हाइट गेज का लिस्ट काउंट क्या होता है दोस्तों हमारा, ये हमारा मैकेनिकल हाइट गेज है, इसका लिस्ट काउंट होता है हमारा 0.02 mm यानी 20 माइक्रोन। अगर हम इंचेस में बात करेंगे तो 0.001 इंचेस। हाइट गेज का यूज हम क्या रहता है दोस्तों, हाइट गेज की सहायता से हम किसी भी जो हमारा पीस होता है जो वर्क होता है उस पर हम इसकी मार्किंग कर सकते हैं या उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ डिजिटल हाइट गेज। तो डिजिटल हाइट गेज का हमारा लिस्ट काउंट होता है दोस्तों 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन। अगर इंचेस में बात करेंगे तो 0.001 इंचेस। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ डिग्री प्रोटेक्टर। ये होता है देखिए दोस्तों हमारा डिग्री प्रोटेक्टर। अगर हम डिग्री प्रोटेक्टर की बात करेंगे दोस्तों तो इसका हमारा लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री। इसको हम 1 डिग्री की बारीकी से हम किसी भी जो हमारा जॉब वर्क होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ बैवल प्रोटेक्टर। तो बैवल प्रोटेक्टर का भी दोस्तों हमारा कितना होता है, बैवल प्रोटेक्टर का भी हमारा लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बैवल प्रोटेक्टर। देखिए दोस्तों वो हमारा बैवल प्रोटेक्टर था और ये होता है हमारा वर्नियर बैवल प्रोटेक्टर, क्योंकि इसमें हमारा एक वर्नियर स्केल भी होता है और इसको हम 5 मिनट यानी 5 मिनट की एक्यूरेसी से हम किसी भी पीस को मेजर इससे कर सकते हैं। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ एंगल गेज ब्लॉक। एंगल जो हमारा एंगल गेज हमारे ब्लॉक्स होते हैं इनका हमारा लिस्ट काउंट कितना होता है 1 सेकेंड। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ साइन बार। साइन बार का हमारा लिस्ट काउंट होता है 1 मिनट। देखिए दोस्तों ये हमारी साइन बार होती है, इसके बीच में हमारे होल्स भी दिए होते हैं ताकि हम इसके बाहर को कम कर सके और ये हमारे रोलर्स होते हैं। साइन बार की जो लंबाई होती है दोस्तों देखिए वो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसकी लंबाई को हम माप सकते हैं। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। जो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है इसकी सहायता से हम जो हमारे बोल्ट्स होते हैं उसके हम जो माइनर डाया होता है उसको हम इससे मेजर कर सकते हैं और इसका लिस्ट काउंट होता है हमारा 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन या इंचेस में अगर हम बात करेंगे तो 0.001 इंचेस। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्लिप गेज। अगर हम स्लिप गेज की बात करेंगे दोस्तों तो स्लिप गेज का हमारा लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm या 1 माइक्रोन भी हम बोल सकते हैं। अगर इंचेस में बात करेंगे तो 0.001 इंचेस। इससे हम किसी भी जो हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी अगर हम उसको देखना चाहते हैं कि इसमें हमारा ये सही से मेजर कर रहा है कि नहीं, तो हम इसकी सहायता से स्लिप गेज की सहायता से हम उसको कैलिब्रेशन करने में इसका यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर डेप्थ गेज। जो हमारी डेप्थ गेज होती है वर्नियर की उसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 mm यानी 20 माइक्रोन। इंचेस में अगर हम इसकी बात करेंगे तो 0.001 इंचेस। इसकी सहायता से दोस्तों हम किसी भी पीस की गहराई को माप सकते हैं जो हमारा जिसमें हम किसी पीस में अगर हम बोरिंग करते हैं ड्रिलिंग करते हैं तो वहां पे हम इस हाइट गेज की सहायता से उस पीस की गहराई को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का हमारा जो लिस्ट काउंट होता है दोस्तों 0.01 mm या इसको हम 10 माइक्रोन भी बोल देते हैं या 0.001 इंचेस। दोस्तों ये जो हमारे डायल होते हैं इस डायल को हम ज्यादातर हम डायल बोर गेज में यूज करते हैं या किसी जब हमने किसी पीस की हमने फ्लैटनेस चेक करनी होती है उसमें हम इसको चेक करते हैं। ये हमारे डायल अलग अलग इनका लिस्ट काउंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ अदर डायल टेस्टिंग इंडिकेटर। तो देखिए दोस्तों ये हमारे 0.02 mm या 20 माइक्रोन के भी होते हैं, 0.01 mm 10 माइक्रोन के भी होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.005 यानी 5 माइक्रोन के भी और 0.002 2 माइक्रोन के भी होते हैं। या अलग अलग जगह पर हमें जितनी एक्यूरेसी से जरूरत पड़ती है हम इन डायल टेस्ट इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं।
दूसरा दोस्तों हमारा 0.0001 mm यानी 1 माइक्रोन का भी होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको आज जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे सारों के लिस्ट काउंट्स अच्छी तरह से पता लग गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।